प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का पाठ वीरभूमि पर कुछ दिन इसकी विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। प्यारे छात्रों, हमारे भारत में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं? प्यारे छात्रों, हमारे देश में होने वाले अलग अलग राज्यों में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं? ऐतिहासिक स्थल किसे कहते हैं? क्या आपने ऐतिहासिक स्थल देखे हैं? हमारे जिले में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं? हमारे तहसील में कौन कौन से ऐतिहासिक स्थल हैं? क्या आप लोग वहाँ पर गए हैं? तो प्यारे छात्रों, आज हम कक्षा 9वीं का जो पाठ है वीरभूमि पर कुछ दिन, उसकी जो यात्रा वर्णन पर आधारित पाठ है, उसकी जानकारी आज प्राप्त करेंगे। प्यारे छात्रों, गाड़ी कैसे बढ़ रही थी? लेखिका श्री रुक्मिणी संगल जी रेल से यात्रा करती हैं, बठिंडा से होकर हनुमानगढ़, लालगढ़ होते हुए बीकानेर पहुंचती हैं। बीकानेर से उनको जोधपुर के लिए जाना था और शाम तक गाड़ी जोधपुर में आ जाती है। जैसे ही रेल जोधपुर में पहुंचती हैं तो लेखिका वहाँ पर उतरती हैं, और उतरने के बाद होटल में पहले से ही कमरा बुक था, उस कमरे में पहुंचती हैं, और कमरे में जाने के बाद कुछ देर के लिए तरोताज़ा होती हैं। उस तरोताज़ा होने के बाद फिर नगर भ्रमण के लिए निकलती हैं। जैसे कि वहाँ पर उनका जो पहला गंतव्य स्थान था जोधपुर, जोधपुर के जो अलग अलग ऐतिहासिक स्थल हैं, उन ऐतिहासिक स्थलों की वो पहले यात्रा करती है। जैसे वह सबसे पहले उनकी जो मंजिल थी वह थी राजस्थान में थी एक ऐतिहासिक नगरी जो राजा उम्मेद सिंह ने बनाया था, उस उम्मेद भवन की ओर सबसे पहले जाती हैं। उम्मेद भवन में जाने के बाद वहाँ की कला का, वहाँ की संस्कृति का, वहाँ के जो अलग अलग प्रकार के कमरे हैं उनका निरीक्षण भी करती हैं, और निरीक्षण करने के बाद फिर वह अलग अलग जो कमरे 300, ऐसा कहा जाता है कि जो उम्मेद भवन है वह उसके एक भाग में वहाँ का जो जसवंत सिंह का शाही परिवार जो है वह रहता है, और उसके बाद बाकी जो कमरे हैं उन कमरों को होटल के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।